तो गाइस यार, मेरा नाम है फ्रैंकलिन और मेरे साथ है शिनचैन और चॉप, और आज हम खेलने वाले ब्लॉब मार्च 3D। देखो गाइस यार, ये बहुत ज्यादा जबरदस्त गेम है। इसमें है ना, अपने को अलग अलग बॉल्स को मिक्स करके ताले खोलने हैं। तो देखो, नीचे 128 ताला है, तो मतलब अपने को वहां पे है ना 128 नंबर का अगर बॉल लगा देंगे ना तो वो ताले टूट जाएंगे। तो पिंकी भाई, मैं तक समझ गया, ये वाली गेम तो मैथ्स के टेस्ट की जैसी है। अरे हाँ शिनचैन, देख, अपने को 2 को मिलाएंगे तो एक 4 बन जाएगा, 2 4 को मिलाएंगे तो एक 8 बन जाएगा, और 2 8 को मिलाएंगे एक 16 बन जाएगा। तो अच्छा पिंकी भाई, मैं समझ गया, ऐसे करके अपने को 128 नंबर बनाना। हाँ हाँ शिनचैन, तूने बिल्कुल सही बोला यार। देखो गाइस, अभी तो मैं यहाँ पे इतना फटाफट ब्लॉब्स मार रहा हूँ, और गाइस देखो यार, 3 ब्लॉब लाइन से मर जो गए। एक काम करता हूँ, ये 2 को तो यहाँ पे फेंक देता हूँ और ये 8 को यहाँ पे फेंक देता हूँ। यार ये नंबर अलग अलग क्यों आ रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर देखो, ये 2 8 है, इनको साथ में फेंक दिया, और बापरे देखो 16 बना, वो डायरेक्ट 32 भी बन गया। अब यार इसको तो मैं दीवार पे चिपका देता हूँ, क्योंकि ये 4 का तो मुझे कुछ काम नहीं है। चलो यार, यहाँ पे 32 बन चुका है, ये 2 को है ना, मैं एक काम करता हूँ, वो दूसरे वाले 2 से ज्वाइन करने का ट्राई करता हूँ। ओ गाइस देखो यार, मैं तो कितना बड़ा प्रो प्लेयर हूँ यार, यहाँ पे सारे 2 को मार दिया। पिंकी भाई, तुम ऐसे कैसे मारे, इधर उधर ध्यान से, थोड़ी स्ट्रेटजी से मारो। अरे शिनचैन, मैं स्ट्रेटजी से ही मार रहा हूँ। देख यार, ये 4 4 बन गया, 8 बन गया, 32 बन गया, 64 बन गया, और देख अपने को सिर्फ एक और 64 बनाना है, जिससे अपने 128 बना लेंगे। आओ फ्रैंकी भाई, ये गेम तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। अरे चौप यार, तू थोड़ा सा कम अक्कल है ना, इसके तुझे समझ नहीं आ रही, तू सिर्फ और सिर्फ कलर देख। आओ फ्रैंकी भाई, मैं समझ गया, ग्रीन को ग्रीन से मैच करना, ब्लू को ब्लू से मैच करना, और पर्पल को पर्पल से मैच करना। हाँ हाँ चौप, बिल्कुल तूने सही कहा। तो गाइस देखो, अपने को नेक्स्ट जो लॉक खोलना है उसमें 256 है, तो मतलब अपने को है ना 2 128 के बॉल बनाने पड़ेंगे। आओ फ्रैंकी भाई, अपने पास 128 का बॉल तो है। हाँ हाँ शिनचैन यार, सही बोला यार, अपने पास 128 का तो बॉल तो है। अभी अपनी यहाँ पे इन सब लोगों को करो। अरे बाप रे, क्या गड़बड़ कर रहा। आओ फ्रैंकी भाई, ऐसा करोगे तो अपना गेम हार जाएंगे। हाँ हाँ गाइस यार, गेम हार जाएंगे, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे यार यहाँ पे बैठे गया, अब नीचे मैं कैसे जाऊँ। एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे फेंक देता हूँ। हाँ देखो, ये 2 8 को मिक्स कर दे, देखो हाँ सर, एक बॉल तो नीचे गिर गया। अभी एक काम करता हूँ, ये 2 2 को भी मिक्स कर देता हूँ, नीचे बहुत सारे चीजें मिक्स हो जाएंगी। ये 2 को भी मिक्स कर देता हूँ, ये भी 8 बन जाएगा, ये भी 16 बन गया। तो गाइस देखो, जो मैंने थोड़ी सी गड़बड़ करी थी वो सब सॉल्व कर रहा हूँ मैं। और फ्रैंकलिन मुन्ना यार, तू तो बहुत ज्यादा गड़बड़े कर रहा है। अरे हाँ जैक भैया, मुझे पता है, बहुत ज्यादा गड़बड़े कर रहा है। अरे गाइस देखो, 128 का बड़ा बलून आया। अरे ये कहाँ पे अटक गया यार, इतना मोटा बलून था, ये तो हवा में ही अटक गया। गाइस अब क्या करूं यार, मुझे तो लगा था ये दोनों जॉइंट होके बढ़िया काम हो जाएगा, पर यार ये तो हवा में अटक गया। एक काम करता हूं, सब लोगों को मारता हूं इधर। अरे हाँ चलो, वो दोनों कनेक्ट हो गए। अरे ये भी कनेक्ट हो गया। गाइस यार, ये 4 और 4 को कनेक्ट करके 8 बना देता हूं। अरे ये 8 उछल उछल के वहां तक क्यों नहीं चला जाता, गाइस यार समझ ही नहीं आ रहा। चलो चलो चलो, ये गया यहाँ पे। अरे 16 कहाँ पे बीच में आ गया यार, कोई बात नहीं। गाइस देखो, ये दोनों अपने को येलो बॉल को मैच करना है। अब फटाफट से ब्लू बॉल को भी मैच कर दिया। अरे अपने पास 3 3 128 हो गए, पर अपने इनको जॉइंट ही नहीं कर पा रहे। तो पिंकी भाई, तुम थोड़ा सोच सोच के स्ट्रेटजी से डालो ना, ऐसे कैसे इधर उधर फेंक रहे हो चीजों को। अरे शिनचैन, ऐसे इधर उधर नहीं फेंक रहा, देख यार मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगा रही। देखो ये 2 4 मैच हो गए। अब यार ये येलो कलर का तो कोई बॉल नहीं, काम करता इसको यहाँ पे लटका देता हूँ, और ये ग्रीन कलर वाले को भी यहाँ पे अटका दूंगा। अब यार ऐसे तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ। पिंकी भाई ऐसे मत कर, पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अरे नहीं नहीं शिनचैन, तू चिंता मत कर यार, देख यार वो अपने आप सारे जॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि ना एक एक करके नंबर मैच होने लग जाते ना, तो फिर सारे नंबर साथ में मैच हो जाते हैं। देख यार इतने सारे नंबर मैच हो गए, अपने को कोई भी चिंता नहीं है। तो गाइस देखो यार, ये 64 नंबर वाला है ना, अगर मैंने वहाँ पे एक और 64 लगा दिया तो अपना 128 बन जाएगा, और 128 मैच हो गया ना 256 बन जाएगा। भाई फ्रैंकलिन मुन्ना यार, तूने इतना अच्छा मैच कहाँ से करना सीखा। अरे जैक भैया कैसे नहीं यार, बस आपसे ही सीखा यार, आपने ही तो मुझे बचपन में इतना सारा मैच पढ़ाया था। एई पिंकी भाई, जैक भैया ने मुझे भी तो मैच पढ़ाया था, मुझे तो मैच करना बिल्कुल नहीं आता। अरे यार ओगी, ऐसे क्यों बोलता है, जैक भैया इतना अच्छे टीचर है। ओगी मुन्ना यार, मैंने तुझे भी इतना ज्यादा पढ़ाई करा यार, तू क्यों बोल रहा है, तुझे मैच करना नहीं आता, तेरे तो स्कूल में इतने अच्छे नंबर आते थे। एई जैक भैया, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूं यार, तुम बहुत अच्छे टीचर हो। हाँ गाइस यार देखो, तो ओगी तो कितना ज्यादा शैतान हो गया, बोलता उसको मैच करना नहीं सिखाया जैक भैया ने, जबकि यार मेरे सैम ने जैक भैया ने उसको इतनी सारी पढ़ाई करवाई है। गाइस यार यहाँ पे तो देखो, मैं थोड़ा फंसता ही जा रहा हूँ यार, इसको बॉल्स को मारू किधर समझ नहीं आ रहा। अरे चलो गाइस यार, बढ़िया काम हो गया, ये भी 4 और 4 को भी ज्वाइन करके 8 बना दूंगा। तो यार एक और 4 आ गया, अभी तो एक 4 से मैंने छुटकारा लिया था। अच्छा अच्छा चलो यार, देखो यार ये तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, अभी एक और 4 आ गया। गाइस सिर्फ और सिर्फ 4 ही आ रहा यार, ये कैसी गेम है। अरे ये 16 के बीच में आ गया यार, चलो कोई बात नहीं, इनको मारते। अरे एक 2 भी बीच में आ गया, अरे एक और ये 2 डाल देता। और यहाँ पे यार एक ही एक नंबर आते यार, वैरायटी के नंबर आए तो अपने पॉइंट्स मैच कर सके। तो गाइस देखो, और यहाँ पे 260, अरे अपना 256 बन गया। और देखो यार ये भी लॉक खुल चुका है। आओ पंकी भैया, तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, और इतना सारा गेम तो मुझे खेलना ही नहीं आता। अरे हाँ चौप, मुझे पता है। और गाइस ये देखो, ये क्या यार, अपने तो डायरेक्ट जीत गए, ये लॉक तो खुद से ही खुल गया, क्योंकि अपने 2 ऊपर बना बड़े बॉल एक्स्ट्रा बना लिए थे, वो यहाँ पे आके डायरेक्ट लॉक तोड़ गया। आओ पंकी भैया, कितना ज्यादा स्मार्ट हो यार, तुम मुझे भी तुम्हारे जैसा स्मार्ट बना दो। अरे चौप यार, जब मैं बोलता हूँ मेरी बात मानने को, तब तो तू मेरी बात मानता नहीं है। और देखो यार ये क्या, अपने को 256 नंबर का बॉल मिल चुका है। गाइस देखो अभी नीचे जा रहे, अब नीचे देखते हैं अपने को क्या खोलना है। 1024 मतलब है ना 512 और 512 के 2 ब्लॉक खोलने पड़ेंगे। चलो यार यहाँ पे नीचे जाते, एक 256 तो मैंने फेंक दिया, इसके ऊपर एक और 256 फेंक दूंगा। कि देखो तो मैंने 2 ग्रीन कलर के बॉल्स अभी मैच करने का चांस मिल चुका। अरे ये हवा में क्यों लटक गए, हाँ चलो बच गया यार, इधर से चले गए। अरे ये इधर क्यों अटक जा रहे सारे के सारे बॉल, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूं, इसको यहां मारता हूं। अरे यार ये दोनों ग्रीन बॉल अथड़ा जाते तो बहुत सही काम हो जाता।
यहाँ पर यार ये दोनों अथड़ा नहीं रहेगा। देखो 32 तो मैंने बना दिया, मुझे सिर्फ एक और 32 बनाना है वहाँ पे। देखो यहाँ पे जा रहा हूँ, एक काम करता हूँ इसको ना वहाँ पे 2 पे फेंकने का ट्राई करता हूँ। पिंकी भाई नहीं यार, मैं तो दीवार पे अटक गया। अरे हाँ यार मुझे पता दीवार पर अटक गया, पर कोई बात नहीं यार, देख मेरी स्ट्रेटेजी कितनी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे देखो डालता हूँ और यहाँ पे है ना 4 कहाँ पे डालू यार, एक काम करता हूँ यहाँ पे अटकाने का ट्राई करता हूँ। ये देखो यार हाँ ये भी कन्वर्ट हो गया। तो पिंकी भाई वो रेड बॉल है, रेड बॉल को ज्वाइन कर दो। अरे हाँ शिनचैन रेड बॉल और रेड बॉल को ज्वाइन कर लिया भाई। येलो येलो को कर दिया, ग्रीन ग्रीन को कर दिया। ओ भाई गॉड गाइस यार अपने सारे नंबर साथ में आके। पिंकी भाई ग्रीन और ग्रीन को भी तो मैच कर सकती थी, क्या किया तुमने। अरे हाँ शिनचैन यार कर सकता था, पर मैं बोलने में ध्यान ही नहीं रहा यार, मैंने ऐसे ही कर दिया। गाइस तो देखो यार फटाफट से अभी तो अपने पास बहुत सारे नंबर इकट्ठे हो गए। ये 2-2 मार जो जाएंगे, देखो 16 बन गया, 8 भी बन गया यार अपने पास। और यहाँ पे कोने में एक 4 है, उसको मार सकता हूँ क्या? नहीं यार उसको तो नहीं मार पा रहा। ये देखो 32 बन गया, अब अपने को सिर्फ एक और 64 बनाना है। अरे देखो 128 आया, ये काम करता है बड़े वाले 128 को यहाँ पे मार देता हूँ। अरे बाप रे पूरा 512 का इतना बड़ा बॉल आ गया मेरे पास तो। और फ्रैंकलिन मुन्ना यार पर तूने तो सारी जगह ही खराब कर रखी, इस बॉल को मारेगा किधर? अरे जैक भाई यार मैं भी वही सोच रहा हूँ, ये मैंने क्या थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। चलो कोई बात नहीं यार, जो भी अभी हो रहा है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कोई एडजस्ट हो ही जाएगा। देखो इसको यहाँ पे मारो, ये देखो 2-8 तो 16 बन चुके, अब ये दोनों 16 मार जाएंगे। अब यार यहाँ पे देखो 2 पिंक कलर के 64 आजू बाजू है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यार ये ब्लू वाले बॉल को हटा के वहां से मर्ज करवाना है। और फ्रैंकलिन यार इतना आसानी से काम नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अरे हाँ जैक भैया मुझे पता है बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अपने को। ये देखो ये दोनों 8 बन गए। अब यार यहाँ पे ये रेड बॉल का मैं क्या करूँ ना, मुझे समझ नहीं आता। इतने एडवांस लेवल पे भी छोटे छोटे बॉल आ रहे हैं ना, इसके लिए यार मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अपने को 1000 बनाना है, यार अपने को 2-4 ऐसा आ रहा है। अपने तो लक ही खराब है। पिंकी भाई लक खराब नहीं, तुमको ये गेम खेलने नहीं आती तो मैंने देख लिया। अरे नहीं नहीं शिनचैन यार मैं देखो ऐसा है तो तू खेल के बता दे। पिंकी भाई ला यार मैं खेल के बताता हूँ तुम्हें तो। अच्छा गाइस देखो मैंने अभी शिनचैन को दे दिया, अभी देखते हैं शिनचैन क्या इसमें जलवे दिखाता है। पिंकी भाई देखो यहाँ पे मैं ये वाले 8 वाले बॉल को यहाँ पे मारूंगा। अरे यहाँ पे क्यों मारेगा? अच्छा अच्छा मैं समझ गया यार, तूने तो मस्त स्ट्रेटेजी लगाई शिनचैन की, नीचे से उसका जॉइंट हो जाएगा वो। पिंकी भाई मैंने बताया मैं बजे तक खतरनाक हूँ। देखो मैंने 16 भी बना दिया और यहाँ पे 32 बन गया। अब मैं 32 और 32 को मैच करके 64 बना दूंगा। अरे हाँ तू ऐसे बोल तो रहा है, तो 32 और 32 को मैच करके 64 बना देगा, पर ऐसे ही थोड़ी 64 बन जाएगा। पिंकी भाई देखो मैंने 16 तो बना भी लिया, मैंने एक और 8 डाल दिया। अब यहाँ पे मैं 2 डाल दूंगा, अब यहाँ पे मैं एक और 2 डाल दूंगा, यहाँ पे 2-8 बन चुके। अब 2-8 को मिक्स करके मैं 16 बना दूंगा। अच्छा अच्छा गाइस देखो यार 2-16 तो बना भी दिए शिनचैन ने, और ये तो बहुत बढ़िया खेल रहा है शिनचैन। तेरे को इतना सारा मैच करना था तो स्कूल में क्यों मार्क्स नहीं लेकर आता? तो पिंकी भाई स्कूल में तो मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, गेम खेलना तो मुझे बढ़िया लगता है। अरे हाँ हाँ शिनचैन पर पढ़ाई भी करनी चाहिए ना, पढ़ाई भी करना अच्छी बात होती है। गाइस देखो यार ये वाला लेवल तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, पर देखो यार इतने सारे अपने बॉल ज्वाइन हो गए। अब यहाँ पे यार मेरे को कुछ करना पड़ेगा यार, छोटे छोटे बॉल्स है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान कर रहे हैं। यार ये एक काम करता हूँ, ये 8 और 8 को यहाँ पे मार देता हूँ, इस वाले 8 को यहाँ पे मार देता हूँ। 32 बन गया, वहाँ पे एक और 32 बनाना है, वो 64 बन जाएगा। 64 64 128 बन जाएगा, तो मतलब अपना 256 256 512 बन जाएगा, 512 512 9024 बन जाएगा। तो मतलब कुल मिला के अपने कॉर्नर में एक और 64 बना लिया ना, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। पिंकी भाई तुम गलत जगह की 32 बना रहे हो। अरे शिनचैन अब क्या करूँ यार, जहाँ पे बन रहा है मैं तो वहाँ बना रहा हूँ यार। तो पिंकी भाई मैं समझ गया क्या करना है मुझे, लाओ यार मुझे तो मैं करके बता दो। अच्छा अच्छा गाइस देखो यार मुझे नहीं लगता यार ये वाला लेवल तो अब सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि यार बहुत ज्यादा मैंने नहीं इधर उधर गड़बड़ कर दी। पिंकी भाई नहीं नहीं सॉल्व हो जाएगा, देखो यार मैं तुम्हें करके बताता हूँ। अच्छा अच्छा देखते यार शिनचैन यहाँ पे सॉल्व कर पाता है कि नहीं। नहीं नहीं पिंकी भाई तो सॉल्व नहीं हो रहा, अरे तो सॉल्व होने लग गया। देखो यार वो 512 और 512 टच हो जाएंगे, इतना अच्छा काम हो जाएगा। अरे हाँ शिनचैन अच्छा काम तो हो जाएगा, पर वहाँ पे अपने इतने सारे नंबर फंसा दिए ना कि कुछ हो ही नहीं रहा। अरे 512 टच हो गए, और ये गाइस देखो फाइनली शिनचैन ने 10024 का भी लॉक खोल दिया यार। तो गाइस यार अगर तुम इस वीडियो को लाइक कर दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम एक प्रो हो, और अगर तुम इस वीडियो के नीचे कुछ कमेंट करते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम एक प्रो हो, और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम एक हैकर लेवल के प्लेयर हो, अगर तुमने मेरी बात को इग्नोर कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम एक नूब लेवल के प्लेयर हो।